पूरे विश्व में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसी अवसर पर भागलपुर में भी कई जगहों पर योग शिविरों का आयोजन किया गया। भागलपुर शहर में सबसे बड़ा योग शिविर सैंडिस कंपाउंड मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और सांसद अजय कुमार मंडल सहित शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। सैकड़ों लोगों ने एक साथ योगासन कर देश विदेश में शांति और समृद्धि का संदेश दिया। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने योग को जीवन का आधार बताते हुए कहा कि योग न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। उन्होंने लोगों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया। सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं समस्त भागलपुर के नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि योग हमारे समाज में जुड़ा हुआ है और खासकर हम सभी लोगों वर्तमान जो परिस्थितियां हैं और जो हमारा लाइफस्टाइल है, इसमें योग को ज़रूर अपनाना चाहिए और योग से लगभग सारी बीमारियों का समाधान संभव है। और हम लोग यदि कोई मेडिसिंस पे हैं तो उस मेडिसिंस को रिड्यूस करके मिनिमल कर सकते हैं। तो योग को हम सभी को अपनाना चाहिए और योग आपके शरीर की ऊर्जा को काफ़ी बढ़ाता है। सभी लोगों को योग करना चाहिए। वहीं सांसद अजय कुमार मंडल ने कहा कि योग भारत की प्राचीन विद्या है, जिसके स्वास्थ्य संबंधी लाभ विज्ञान द्वारा भी प्रमाणित हैं। उन्होंने लोगों से तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की सलाह दी। देश के हर वासी से हमारा अपील छे और हाथ जोड़ी करवत प्रार्थना करे छे, देश के हर मानव से, हर जाति से, हर लोग से, हर देशवासी से, हर भारतवासी से कि अगर अपना सनी सब योग में अपनो आप का साधिए ताकि न जीवन में कभी बीमार नहीं पड़े, ये बात जरूरी है। योग में ये गुण है। शहर के सैंडिस कंपाउंड के अलावा भागलपुर के कई स्कूल, कॉलेजों और पार्कों में भी योग शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सहित सभी आयु वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। तब से हर वर्ष 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। देखिए, तो आपको सबको पता है, करे रोग योग रहे निरोग, ये सिर्फ नारा नहीं है। आप वास्तविक में अगर योग करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। आप स्वयं उतर के देख लीजिए, तैरना है तो नदी में उतरना पड़ेगा, स्वास्थ्य को बेहतर करना है तो नियमित योग करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि योग से पूरा आप हमेशा अमर हो जाएंगे, लेकिन ये गारंटी है कि आप जीवन पर्यंत स्वस्थ रहेंगे और आनंदित रहेंगे। और मैं आप सभी से मीडिया बंधु के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि भागलपुर में पूरी तरह से निःशुल्क सेवा चल रहा है वशिष्ठ योग फाउंडेशन की ओर से। आप आएँ और 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक जयप्रकाश उद्यान में नियमित अभ्यास होता है, आप योग को करें और स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी योग दिवस पर जो आज हम लोग को स्थापित किया है पूरे विश्व में, मैं उनको हृदय से आभार और नमन करता हूँ। धन्यवाद। भागलपुर जिले के गोराडी थाना क्षेत्र में हुए सुमेश मंडल हत्याकांड में हिरासत में लिए गए 7 संदिग्धों से पूछताछ के दौरान गोराडी पुलिस के द्वारा अमानवीय व्यवहार किया गया था, जिसके बाद मामले पर संज्ञान लेते हुए एसपी श्री राज ने गुरुवार को थानाध्यक्ष शांता सुमन एवं दरोगा सनोज कुमार चंद्रवंशी को पद से हटाकर लाइन क्लोज कर दिया। वहीं शुक्रवार को जदयू नेता शुभानंद मुकेश ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल जाकर पीड़ित लोगों से मुलाकात की और उनसे घटना की जानकारी ली, जिसके बाद जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव शुभानंद मुकेश ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम से मुलाकात की और दलितों पर हुए अत्याचार मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान शुभानंद मुकेश ने कहा कि जिस तरह महादलित के साथ पुलिस के द्वारा व्यवहार किया गया है, यह काफ़ी चिंतनीय है। हम वरीय पुलिस अधीक्षक से मांग करते हैं कि इस तरह के दोषी पुलिसकर्मी पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि वह इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलेंगे और दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग करेंगे। दलितों को इतनी निर्ममता से पीटा है, करंट डाल दिया गया,
और पेट्रोल डाल करके जो है इस तरह से पिटाई की, कैसे देखते हैं? आज मैं खुद जो पीड़ित हैं उनसे मिलने अस्पताल गया था और इतनी भयानक, मतलब देख के रो कांप जाता है और बड़ी वेदना लगी कि इस तरह से अमानवीय अत्याचार कैसे को कर सकता है। दुख हुआ पुलिस के इस स्वरूप को हमने नहीं देखा था और इस जो गरीब आदमी, मजदूर आदमी, उसको इतनी बर्बरता से मारा गया। आपको बता दें, दो महिलाओं को मारा गया, कोई नहीं, बिना कोई उसमें सटीक आपको जानकारी नहीं है, कुछ नहीं है, उसको उठा के ले आए, पूछताछ के नाम पर लाया, पीटे, तीन तीन दिन रखा गया उस तरह का। तो है, हम मुझे दुख है और इस तरह के इसकी तो जांच होनी चाहिए। मैं एसएसपी साहब से आग्रह करूंगा कि इसकी जांच हो और दोषी को कुछ नहीं, बर्खास्तगी के अलावा कुछ है। अभी आपकी सरकार भी है तो क्या क्या कार्रवाई करवाएंगे आप? मैं इस मामले को तो देख रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात लेके जाऊँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ले जा करके, ये मेरी इच्छा है, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसकी निष्पक्ष जांच कराऊँ और जो दोषी है उसको तो बर्खास्तगी के अलावा कोई उपाय। भागलपुर नाथनगर इंटर स्कूल नूरपुर के प्रधानाचार्य राजकुमार प्रसन्नू ने सीओ, वीडियो, जिला शिक्षा पदाधिकारी और स्थानीय पुलिस को आवेदन देकर ग्रामीणों से विद्यालय की जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने का गुहार लगाया है। स्कूल के प्रधान ने दिए आवेदन में लिखा है कि चार दीवारी नहीं होने के कारण आसपास के ग्रामीण जमीन को अतिक्रमित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालय की जमीन पर बिना अनुमति के रोड नाला और बिजली का पोल गाड़ दिया गया है। दिनों दिन जमीन अतिक्रमित होने के कारण चार दीवारी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण स्कूल में पढ़ाई का माहौल भी बिगड़ रहा है। प्रचार्य ने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की गई, जिसमें उन लोगों ने मौखिक रूप से कहा कि विद्यालय की जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी अतिक्रमणकारी अतिक्रमण कर रहे हैं। अतिक्रमण तो चारों तरफ से, विद्यालय के चारों तरफ अतिक्रमण का आलम है। चूंकि ये विद्यालय की चार दीवारी का निर्माण नहीं है, खुला हुआ है, इसलिए तो हमने यहाँ के मुखिया जी, सरपंच साहब, जो प्रतिनिधि लोग, सारे लोगों को कहे हैं कि इसको अतिक्रमण मुक्त करवा दीजिए। इस अभियान में हम छिड़े में भिड़े हुए हैं और हम अतिक्रमण मुक्त करा के ही लेंगे। इसकी सूचना जहाँ हमें सीओ साहब, वीडियो में आपका उप समाहर्ता, जिला अधिकारी, डीओ, आरडीडी, सबको हमने सूचना दे दी है। अतिक्रमण में क्या, अभी तो फिलहाल दो जगह अभी हम देख रहे हैं, अतिक्रमण में तो बहुत सारे लोग हैं इसमें, लेकिन अभी 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 फिलहाल हम उत्तरी पूर्वी कोने पर देख रहे हैं, जैसे कि एक राजेश यादव जी के मकान के सामने जस्ट नाले का निर्माण, मिट्टी का, कच्ची मिट्टी का डालना, ईटा का सोलिंग होना, उसी के जस्ट पश्चिमी छोर पर ये पंडित जी का नाम एग्जैक्ट हमें मालूम नहीं है, इन्होंने भी कंक्रीट का एक पिलर लगा रखा है, बट हमने जाके कहा उनको तो वो मान गए, बोले कि आप कहेंगे तो हम उखड़वा देंगे। हमने कहा कि फिलहाल इसको इससे आप रहने दीजिए, फिर जो अगर माफी अच्छे से हो जाती है, पर लगे तो फिर।